यकीन रूह की सेहत है पहली हालत, शक रूह का मर्ज है दूसरी हालत, इल्म रूह की जिंदगी है, कितनी हालतें हो गई? तीन। चौथी हालत जहालत रूह की मौत है, कितनी हो गई? चार। और फरमाया याद दहानी रूह की बेदारी है और गफलत रूह की नींद है। तो जो बाकी चीज़ें हैं ये हर एक एक अलग मुस्तकिल मौजू है। फिलहाल हम इल्म पे बात करेंगे। इल्म रूह की किस्म नहीं है, इल्म रूह की हालत है और हालत इस्तिकलाल नहीं रखती। जैसे गुस्सा एक हालत है, रहम दिली एक हालत है, हालत में तो इस्तिकलाल नहीं होता, किस्म में इस्तिकलाल हो सकता है। मसलन आपकी नाक है, आप 100 साल जिए, 200 साल जिए, 70 साल, 80 साल, इसने नाक ही रहना, इसने कान नहीं बनना। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए हो तो ये नाक हो और सुबह उठे तो ये कान हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो इसकी हालत है, जब गुस्सा होता है नाक की हालत और होती है, जब आप मजाक कर रहे होते हैं तो नाक की हालत और होती है। इस तरह जो रूह की हालत है मुस्तकिल तो नहीं होती, कभी इंसान गाफिल होता है, कभी बेदार होता है, ठीक है, कभी जानने की हालत में होता है, कभी जहालत की हालत में होता है, कभी शक की हालत में होता है, कभी यकीन की हालत में होता है। लिहाजा इल्म रूह की जिंदगी है। इसका मालूम हुआ कि इल्म एक हालत है, यही सबब है, जैसे सूरह यासीन में है कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो क्या होता है, वनो नक्किस वो फिल खल्क, अर्जल उम्र को जब पहुंच जाता है तो फिर वो ऊंधा हो जाता है। तो दूसरी जगह पर इरशाद है कि फिर वो बूढ़ा हो जाता है, ज़यीफ़ हो जाता है, ताकि वो सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ ना जाने। इल्म ख़त्म एक हालत है। या ऐसा भी होता है कि इल्म की कदर ना की जाए, या तो वो पूरा ले लिया जाता है या फिर उसका कुछ हिस्सा ले लिया जाता है। लिहाजा रूह की हालत का नाम इल्म है।